नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। दो दिन बाद तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इन चुनावों में तैयब एर्दोगान अपनी 20 सालों की सबसे कठिन चुनावी परीक्षा का सामना कर रहे हैं। एक तरफ जहां पूरा विपक्षी दल एकजुट है, तो वहीं विदेशी ताकतें भी एर्दोगान को हराना चाहती हैं। यूरोप और नाटो इस बार तुर्की में होने वाले चुनाव को बदलाव की नजरों से देख रहे हैं। एर्दोगान और यूरोपीय संघ के रिश्ते भी कुछ वर्षों से कुछ ज्यादा ही तनावपूर्ण हो चुके हैं। एर्दोगान को चुनौती देने वाले नेता कमाल किलिकदारोग्लू विदेशी नीति में बदलाव के बहाने पश्चिमी देशों के चहेते बने हुए हैं। एर्दोगान हमेशा यूरोप में फैले इस्लामोफोबिया को लेकर खुलकर अपनी बात रखते हैं। वो चाहे फ्रांस में पैगंबर के अपमान का मामला हो या फिर स्वीडन या नॉर्वे में कुरान की बेहुरमती, वो खुलकर इसकी मुखालफत करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। ऐसे में सभी दल जनता से बड़े बड़े वादे करने में जुट गए हैं। जहां विपक्षी दल एर्दोगान की नाकामियों को लेकर उनकी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं एर्दोगान ने भी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर डाली हैं। एर्दोगान ने कहा है कि उनकी सरकार भूकंप प्रभावित इलाकों में 6,50,000 नए फ्लैट बनवाएगी, जहां भूकंप के दोहरे झटके लगे थे। उन्होंने एक साल के भीतर 3,19,000 नए फ्लैट वितरित करने का भी वादा किया है। इतना ही नहीं, तुर्की की अर्थव्यवस्था को लेकर भी एर्दोगान ने कई वादे किए। उन्होंने 2023 में मुद्रा स्फीति को 20% और 2024 में 10% कम करने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वो ब्याज दरों में कमी जारी रखेंगे। रूस की मध्यस्थता के कारण सीरिया और तुर्की के बीच बातचीत के जरिए एर्दोगान ने अपने देश में सीरियाई शरणार्थियों को अपनी इच्छा अनुसार वापसी का भी वादा किया है। इसके अलावा तुर्की में एक और समस्या जो सामने आई, वो है LGBT यानी समलैंगिक समुदाय की। LGBT समुदाय कई बार एर्दोगान सरकार के खिलाफ तुर्की में विरोध प्रदर्शन कर चुका है। आपको बता दें, समलैंगिकता को इस्लाम में हराम करार दिया गया है, इसलिए एर्दोगान ने कहा है कि उनकी सरकार LGBT जैसी गुमराही के खिलाफ प्रमुखता से लड़ेगी, जो हमारे पारिवारिक ढांचे को नुकसान पहुंचाती है। इतना ही नहीं, एर्दोगान ने विपक्ष पर LGBT समुदाय का समर्थन करने का भी आरोप लगाया है। राष्ट्रपति चुनाव में जहां तैयब एर्दोगान को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो वहीं पश्चिमी ताकतें और विपक्षी दल एर्दोगान को सत्ता से हटाना चाहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ये चुनाव एर्दोगान के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी इस खबर पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।